नमस्कार आदाब, मैं निकेत सिंह रान आप सभी का स्वागत करता हूँ आरवाई न्यूज में। ये नजर डालते हैं ये मुख्य समाचार। 2014 से अब तक 200 से ज्यादा अरब शेखों की शादी करवाने वाले तालाब कट्टा वाल्टा के काजी के घर में पुलिस ने की तलाशी। डुप्लीकेट पेपर और डॉक्यूमेंट जब्त। वक्फ बोर्ड टीम के साथ डीसीपी सत्यनारायण ने काजी अब्दुल्ला रफाई के घर में दाखिल होकर रिकॉर्ड जब्त किए। देखिए तफसीली रिपोर्ट। ये शेक मैरिजेस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के बारे में वो साउथ जोन पुलिस, पर्टिकुलरली फलकनामा डिवीजन पुलिस बहुत मेहनत करके बहुत जोर से इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहा है। कई लोग को अरेस्ट कर दिया ऑलरेडी, कई ब्रोकर्स को अरेस्ट कर दिया और ज्यादा ब्रोकर्स एजेंट्स इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड को अरेस्ट होने वाले थे। हम पूरी तरफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ये मुंबई काजी चीफ काजी फरीदुल मोहम्मद फरीद अहमद खान ऑफिस से 27 इयर्स 27 साल का रिकॉर्ड सीज कर दिया। ये 27 इयर्स से कितने मैरिज कर दिया, सर्टिफिकेट्स दे दिया, ये फेक सर्टिफिकेट्स दे दिया, कितने लोगों को वीसा आया है, कितने लोग हमारा हैदराबाद औरत वहां सफर हो रहा, तकलीफ परेशानी में थे वो पूरा चेक कर रहा है। और यहाँ अब्दुल्ला रफाई को कस्टडी में ले लिया 3 दिन के लिए, वो भी कम से कम 214 से 450-500 मैरिज कर चुके हैं। इसमें कितने अरब शेख्स का मैरिज हुआ, कितने माइनर को करा, हमको इन्वेस्टिगेशन मालूम हो रहा है। ज्यादा माइनर्स को कर रहा है, लेकिन ये माइनर्स का एज मेजर करवा रहा है, बता रहा है। डॉक्यूमेंट पूरा जोटा डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आधार कार्ड सो पूरा नोटरी में एफिडेविट में जोटा रिकॉर्ड बना के वो मेजर दिखा के, क्योंकि वीसा में अगर माइनर है तो नहीं देता, तो ऐसा गलत काम कर रहा है। ज्यादा मुंबई चीफ काजी का निकलता है, यहाँ भी ये 450-500 में वक्फ बोर्ड से, अथॉरिटीज से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एक ही सिया नामा ये रफाई काजी को दिया नहीं कोई। वो वक्फ बोर्ड नाजिर खजात भी आ जाया इकरमुद्दीन और उनका ऑफिशियल्स भी आए यहाँ, हमारा दोनों ज्वाइंट करके चेकिंग करके जो कनेक्टेड रिकॉर्ड थोड़ा सीज करके। हमारा मेन एम क्या है, यहाँ विक्टिम कौन है, कितने लोग है बाहर, विक्टिम्स कितने लोग है बाहर, कोई तकलीफ में है, कोई सफर हो रहा है, उनको रेस्क्यू करना वो डिप्लोमेटिक एफर्ट से। यहाँ जो आदमी वो औरत नुकसान है उन लोगों को गवर्नमेंट तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट से ये पूरा रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उन लोगों को भी हेल्प करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जो ब्रोकर्स एजेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थे, किसी एक ही आदमी को हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग अलग अलग रूमर्स चल रहा है सोशल मीडिया में, कुछ मीडिया में, हम थोड़ा नजदीक थोड़ा स्लो में चल रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, ये पूरा गलत है, इससे टोटल फेक है। हम बहुत मेहनत करके बहुत फोकस्ड मेहनत, 2 महीने के बाद एक चाइल्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आने के लिए कोई डरना है पूरा हैदराबाद में ऐसा पैदल रखने के लिए, कदम रखने के लिए ऐसा तरफ हम जा रहे हैं। ज्यादा लोग को पीडीएफ में डालेंगे, अभी तक किसी को छोड़ेंगे नहीं, बाद में 30 नहीं है, मे बी 40 होता, 50 होता, कितने आदमी को निकलता है हमको मालूम नहीं, लेकिन पूरा एविडेंस के साथ कितने लोग विक्टिम्स है, क्या क्या विक्टिम्स है, क्या क्या मैरिज कर दिया,
ज्यादा विक्टिम्स नहीं आ रहे हमारा सामने वेरियस रीजन से, लेकिन हम पूरा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं, आज ये रिफाई रिकॉर्ड्स भी सीज करेंगे, ये भी तर्जुमा करेंगे, इसने के लिए हम रिकॉर्ड तैयारी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग, बुरा गुना, छोटा छोटा मासूम लड़कियां को जिंदगी खराब करने के लिए मामला चल रहा है, ये पूरा जीरो टॉलरेंस आने तक, कंप्लीट आयरन फूड से सप्रेस करने तक हम कोशिश। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मैं निकेत सिंह राणा, आरवाई न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज।